दिल्ली में किसान आंदोलन की जंग जीतने के बाद अब अपने ही घर पंजाब में इन्हें एक और जंग जीतना बाकी है। करीब 1.5 साल की इस जंग में किसानों ने जंग फतेह तो किया, लेकिन देश के अनाज भंडार में बड़ा योगदान देने वाला पंजाब आज भी नशे की गिरफ्त में है, जहां की युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार है और कई युवा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सबसे पहले ज्ञान सिंह मंजी हैं, ये 117 एक साल और 17 दिन इन्होंने किसान आंदोलन में लगाए और अब सीधे वहां से आए हैं चौंता गांव, जहां के जो एक नशे की राजधानी माना जाता है लुधियाना में, क्योंकि इससे पूरा पंजाब ग्रस्त है। तो इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और औरों से भी बात करेंगे। काफ़ी मौतें हो गई हैं नशे के कारण, तो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज आती होंगी कि नशा हम खत्म कर लेंगे। किसी ने आपको कोई रोड मैप बताया कि भाई क्या रोड मैप है, कैसे खत्म होगा? 10 साल तो पहले अकाली सरकार है जी, उदो भी बिके इतने चिट्टा, 5 साल हूँ हो गया कांग्रेस सरकार आई नूं, इन्हें तो भी नहीं खत्म होया। तो असी पहले 1 साल 17 दिन दिल्ली लाए, उत्तों असी 11 तरीक तुरे, इतों उत्थे ही कह के तुरे भी चिट्टा असी चौंते साढ़े पिंड राजधानी है, राजधानी है इतों चंडीगढ़ कुड़ियाँ मुंडे अमृतसरों इतने लैंड चिट्टा उदे इतें जी, तो साढ़े 50 इतने मुंडे मर चुके 50 एरिए जो चिट्टे की भेड़ चढ़े आ, पर किसी से जू नहीं लड़, किसी भी लीडर ने जू नहीं सड़क इतने किसी दे भी। तो असी तो DGP साहब तक जाए हैं, कोई असर नहीं पाया, कोई पोलीटिकल पार्टी का लीडर नहीं साढ़े नाल इतने, मतलब जे हुण कल एक मतलब कांग्रेस पार्टी का मतलब जिहड़ा सी जिहड़ा इतने हुण कैंडिडेट आ विक्रम सिंह बाजवा, वह कल पहली बार आया इतने, कोई किसी पार्टी का भी कैंडिडेट नहीं आया है। पुछण बई तुसीं दसो बई भाई तुहानूं प्रॉब्लम की आ, पता सारिआं नूं ही आ क्योंकि बिक रहा है, कड़ा अज्ज दा बिकदा तो 14-15 साल का बिक रहा है, इस करके इतने कोई मतलब कोई नहीं आया क्योंकि उन्हां दा एजेंडा ही है नहीं। ये वो तो कहिंदे आ सरकारां दा चाहुंदियां आ भी जिहड़े मुंडे माड़े मोटे ना सानूं कोई सवाल करदे पुछदे आ, ये पुछण वाले रहण ही ना पुछण जोगे, क्यों जां नशा ही हो गया की पुछणगे वह, इस करके वो मतलब उन्होंने तो एजेंडा ही है नहीं। वह समा तो अंदरों सन तो असं तो यह हिसाब ला लिया क्योंकि सानू हम 3 साल हो गए इस काम च पैन। जो पोलिटिकल पार्टियाँ उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम नशा ख़त्म कर देंगे। अगर पुलिस यहाँ पकड़ती है तो पीने वाले को ही पकड़ती है, उस पर ऊपर 2 ग्राम में आपको बनाया कि 2016 में 17 में 18 में 19 में NDPC एक्ट के मामले ही कम से 10 से ज़्यादा होंगे ही नहीं यहाँ, देख लो अभी मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, 10 या 11 मामले टोटल 3-4 साल में हो गए, किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा। ये एजेंडा नहीं है, ये बिजनेस है। पंजाब जो है ना ये योद्धाओं की धरती, आंदोलनकारियों की धरती है, इसको मारने का एक बहुत बढ़िया तरीका था। इसलिए तो वाजब मांगे जो हैं नौजवानों की हैं जी, शिक्षा रोजगार वो नहीं देती। अब इन्होंने एक तोड़ निकाला है कॉरपोरेट जगत ने, वो ये है कि आराम से इन लोगों को नशेई बना दो हैं जी, पैसे भी ज़्यादा आते हैं और सारा कुछ जो है ये लोग जो है नशे में मर जाएंगे और ये हो रहा है। ये लुधियाना स्थित चौंता गांव के रहने वाले एक ऐसे लाचार पिता की तस्वीर है जिन्होंने आज से करीब 45 दिन पहले अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं, बस 21 साल ही थी। कबड्डी उसका पैशन था लेकिन कब नशे ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया पता ही नहीं चला, और बदले में परिवार को आंसू दर्द और अपनी यादों के सहारे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गया। आज किसानों की आंखों में कृषि कानून हटने के बाद खुशी तो है, लेकिन अभी भी एक चुनौती बरकरार है और वो चुनौती है पंजाब को नशा मुक्त करने की और युवाओं को नशे की काली दुनिया से बाहर निकालने की, ताकि पंजाब नशे की राजधानी नहीं बल्कि अपनी असली पहचान से जाना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।